पूरे प्रदेश में भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और दनादन बुलडोजर भी चल रहा है। अब कानपुर में भू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी प्रशासन ने कर ली है, जिसमें अवैध तौर पर कब्जा जमाने वाले तमाम भू माफियाओं की लिस्ट बनाई गई है और 300 भू माफियाओं का जिक्र है जिनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होते हम देखेंगे। एबीपी गंगा के पास उन भू माफियाओं की एक लिस्ट भी है जिनके खिलाफ जल्द ही बुलडोजर वाला एक्शन होने जा रहा है। कुल 19 माफिया चिन्हित किए गए हैं, जिसमें चकेरी, कल्याणपुर के 5-5, बर्रा में 3, पनकी और काकादेव में 1, कोना थाना में 4 भू माफियाओं को चिन्हित किया गया है, जबकि कानपुर विकास प्राधिकरण ने कुल 44 भू माफियाओं को चिन्हित कर लिया है। चकेरी में 24, कल्याणपुर में 14, नौबस्ता में 3, पनकी में 2, बर्रा में 1 भू माफिया चिन्हित किए गए हैं। अब आपको उन भू माफियाओं के नाम पर भी हम रोशनी डालें और नाम बताएं, जहां चकेरी में आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट, सऊद अख्तर, संदीप, सुधीर शुक्ला को प्रशासन ने भू माफिया बताया है। इनके साथ ही गंगा घाट इलाके में सुरेश पाल, जावेद को भी चिन्हित किया गया है। इनके साथ बर्रा इलाके में पवन सक्सेना, सुमित अवस्थ को भी भू माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है। इनके खिलाफ 1 हफ्ते के भीतर बुलडोजर वाला एक्शन होगा। तो देखिए, अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा। चलिए सीधा, अब एबीपी गंगा ने जॉइंट सीपी आनंद प्रकाश से बातचीत की है, सुनिए आप। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि भू माफियाओं को चिन्हित किया जाए और अवैध अतिक्रमण को ढहाया जाए। बुलडोजर खूब गरज रहा है, ऐसे में कानपुर पुलिस भी इस मंशा के साथ आगे बढ़ रही है कि भू माफियाओं के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाए। एक नई लिस्ट बनाई गई है। हमारे साथ कानपुर पुलिस के JCP आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद जी, किस तरह से लिस्ट को आप लोग अपडेट कर रहे हैं, बना रहे हैं और क्या ध्यान रख रहे हैं? देखिए, शासन की तरफ से ये निर्देश है कि हम भू माफिया और अलग अलग तरह के जितने भी माफिया हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित करते हैं, उनको लगातार चिन्हित करें, उन पर कार्यवाही करें और चिन्हीकरण की ये प्रक्रिया हम तब तक आगे बढ़ाते रहें जब तक कि पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। तो इसी क्रम में जिलाधिकारी कानपुर नगर, KDA के VC, नगर निगम के हमारे जो है मुख्य अधिकारी और कानपुर पुलिस के हम सारी अधिकारी, हम लोग एक संयुक्त प्रयास के तहत भू माफियाओं के चिन्हीकरण की प्रक्रिया हमने जो है आगे बढ़ाई है। और इसी संदर्भ में कल भी एक मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि भू माफिया के श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने फोर्सफुली चीटिंग करके, फोर्जरी करके, एक नेक्सस क्रिएट करके, कागज़ों से छेड़छाड़ करके, इम्पर्सोनेशन करके, तमाम गलत रास्ते अपना करके और बल का भी प्रयोग करके, जिन्होंने ज़मीनों पे कब्जे किए हैं, ज़मीन हथियाए हैं, अवैध निर्माण किए हैं, नियमों की अनदेखी की है, उन पे लगातार कार्रवाई करने की हमारी नीति है और उसी के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। हमने चिन्हीकरण किया है और चिन्हित भू माफियाओं के विरुद्ध जो हमारा लीगल प्रोसेस है उसको अपनाते हुए जब्तीकरण की कार्यवाही और अवैध निर्माण को KDA अपने नियमों के तहत, नगर निगम अपने नियमों के तहत कार्यवाही करेगा। उसमें ढहाए भी जाएंगे, गिराए भी जाएंगे, कन्फिस्केट किए जाएंगे। तो कानून हमें जिस चीज़ की अनुमति देता है वो हम करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरह की माफिया एक्टिविटी कानपुर नगर में ना हो। कानपुर पुलिस के JCP साफ तौर पर बताते हुए कि भू माफियाओं की एक लिस्ट उन्होंने तैयार कर ली है और अब जल्द ही बुलडोजर भी गरजना शुरू करेगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा।